अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब आज बन रहा है कीमा करेले। ठीक हो गया, तो ये मैंने कीमा गलाने के लिए ऊपर रख दी है और इसके अंदर मैं डालूंगी तकरीबन एक मीडियम प्याज। इसके साथ ही मैं डाल दूंगी अपनी हरी मिर्च। हरी मिर्च चली गई, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये चले गए टमाटर। ओके जनाब, इसके साथ ही मैं अपने मसाले ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून मैंने डाल दिया, सॉरी पहले 1 टीस्पून मैंने डाला है लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक डाल दिया और 1/2 टीस्पून मैंने डाल दी हल्दी। 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून मैंने डाल दी हल्दी। ओके जनाब, अब हम अपना जो कीमा है उसको गलने के लिए रख देंगे और ये मैंने दे दिया ऊपर ढकना। ओके जनाब, ऑयल मेरा गर्म हो गया है। ठीक है, करेले मैं फ्राई करने लगी हूँ और ये रहे मेरे करेले। ये मैंने नमक लगा के अच्छी तरह उनको धो लिया और बाद में काट के इस तरह फ्रीज कर लिया। अब आपने जब ऑयल में डालना है आपने ध्यान रखना है क्योंकि बर्फ़ जमी होगी इनमें। चलिए, तो जनाब करेले मैंने डाल लिए हैं अपने ऑयल में, अब मैं इनको करूँगी फ्राई। ओके जनाब, करेले हो रहे हैं हमारे फ्राई। ओके जनाब, ये देखें ऑलमोस्ट करेले होने वाले हैं। जब हल्के से ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे ना तो फिर आपने इनको निकाल लेना है। ब्राउन कलर जब इनका आ जाए। ओके जी, जब इस तरह से ब्राउन हो जाएंगे ना आपके करेले तब आपने निकालना है ज़रा क्रिस्पी क्रिस्पी। ओके जनाब, हमारा पानी बिल्कुल ऑलमोस्ट खुश्क होने वाला है। ठीक हो गया, अब मैं इसमें डालूंगी ऑयल और कीमे की करूंगी अच्छे से भुनाई। ओके जनाब, अब ऑयल डालते हैं। आप करेले वाला भी डाल सकते हैं, ऑयल कोई मसला नहीं। मैं जो करेले मेरे मैंने फ्राई किए थे, जिसमें करेले मैंने फ्राई किए थे वो ऑयल में डाल रही हूँ। इसको करेंगे अच्छे से हम भुनाई। ओके, तो जनाब हमारे कीमे की अच्छी तरह हो गया भुनाई। अब हम अपने डाल देंगे करेले, करेंगे अच्छी तरह इसके अंदर में। आधा कप ले लें दूध का। ठीक है, जब करेले आप डाल रहे हैं तो इसके बाद आधा कप दूध का इसके अंदर कीमे करेले में डाल दें, ना तो आपको करेले कड़वे लगेंगे और ना कठैले। दूध डाल के अब हम तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको देंगे दम। ओके जनाब, हमारा कीमा करेले हो गया है रेडी। ये देखें माशाल्लाह। अच्छा, आप जब मतलब कीमा दम पे देते हैं ना तो एक हरी मिर्च काट के इस तरह से आपने डाल के ऊपर दम रख देना, तो हरी मिर्च की जो एक अलग से स्मेल होती है ना वो बहुत प्यारी कीमे में आती है। चलिए जी, इसको मैं सर्विंग बाउल में डाल के तो फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ओके, तो जनाब हमारा कीमा करेले हो गया रेडी। अब मैं इसके ऊपर से अपने डालूँगी हरी मिर्चें। ओके जनाब, इसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर से गरम मसाला डाल देंगे अपना। ओके, तो जनाब आई होप सो कि आपको कीमा करेले की रेसिपी अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।